नमस्कार दोस्तों, आज हम मृत्यु को लेकर विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे YouTube चैनल जीके मिस्ट्री में। जब कभी कोई इंसान पैदा होता है दोस्त, तो घर परिवार से लेकर सभी रिश्तेदार खुशी मनाते हैं। फिर चाहे वह लड़का या लड़की क्यों ना हो, खुशी समान होती है। लेकिन वो दुख की घड़ी भी आती है जब इंसान की मृत्यु होती है। लेकिन क्या जानते हैं दोस्त कि इंसान क्यों मरता है? पिछले हजारों सालों से इस सवाल का जवाब इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं मृत्यु को लेकर विज्ञान का क्या कहना है। इंसान की उम्र उसे कई चीज एहसास कराती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंसान 30 की उम्र का आता है, तब इंसान के शरीर में ठहराव आने लगता है। 35 में लगता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, और 30 साल के बाद ही हर दशक में हड्डियों का द्रव्यमान 1% कम होने लगता है। वही 30 से 80 साल की उम्र के बीच इंसानी शरीर 40% मांसपेशियां खो देता है दोस्त, और जो मांसपेशियां बचती है वो कमजोर हो जाती है। जब उम्र बढ़ती है तो कोशिकाओं के विभाजन में गड़बड़ी होने लगती है, उनके भीतर का DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है और नई कमजोर या बीमार कोशिकाएं पैदा होती है। वही जो कोशिकाएं गड़बड़ DNA वाली होती है, वो कैंसर या फिर दूसरी बीमारियों का शिकार होती है। आराम भरी जीवन शैली के कारण इंसानी शरीर मांसपेशियां विकसित करने की जगह जरूरत से ज्यादा वसा जमा करने लगता है। वसा ज्यादा होने पर शरीर को लगता है कि ऊर्जा का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ऐसे में शरीर के भीतर हार्मोन संबंधित बदलाव आने लगते हैं दोस्त, और ये बीमारियों को जन्म देते हैं। वहीं प्राकृतिक मौत शरीर के शट डाउन की प्रक्रिया है। मृत्यु से ठीक पहले इंसानी शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। अमूमन सांस पर इसका सबसे जल्दी असर पड़ता है दोस्त। वही जब शरीर नियंत्रण से बाहर होने लगती है, तो दिमाग गड़बड़ाने लगता है। वही सांस बंद होने के कुछ समय बाद ही दिल भी काम करना बंद कर देता है। धड़कन बंद होने के लगभग 4 से 6 मिनट बाद ही मस्तिष्क ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मेडिकल साइंस में इसे ही प्राकृतिक मौत कहते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। वहीं जब इंसानी शरीर की मौत हो जाती है, तो शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरने लगता है। बदन जकड़ जाता है क्योंकि शरीर में मौजूद खून कुछ जगहों पर जमने लगता है। त्वचा की कोशिकाएं मौत के 24 घंटे बाद तक जीवित रह सकती है। हाथों में मौजूद बैक्टीरिया भी जिंदा रहता है दोस्त, ये शरीर को प्राकृतिक तत्वों में तोड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी मृत्यु से संबंधित विज्ञान का तथ्य। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आता तो हमारा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।